मजलूम की आवाज पीएम न्यूज, सिर्फ और सिर्फ आशिक सहू के साथ पीएम न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, पीएम न्यूज बिग स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आशिक हुसैन सहू। नाजरीन, मौसम बेग मामले पर हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया है। हुकूमत ने मीडिया के बाद अदलिया पर भी कारी जरब लगाने का फैसला कर लिया है। मौसम बेग मामले पर हुकूमत का एडिशनल सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। हुकूमत मीडिया के बाद अदलिया के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई है। दूसरी जानब मौसम बेग के घर पर छापा और साफी बिरादरी को हरासा करने के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क भर के प्रेस क्लबों ने आज मौसम बेग से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुल्की हालात इमरान खान के कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं। पाकिस्तान तरीक इंसाफ इंतशार का शिकार हो चुकी है। तरीक इंसाफ में बागी ग्रुप बन चुका है। सहाफी साहलान में फख्र से कहता हूँ कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की आज़ादी के लिए, सहाफत की आज़ादी के लिए मैंने अपनी भरपूर जवानी किले में गुजारी, मैंने जेलों में गुजारी। मैं जाउल हक के 10 साल या जेल में रहा या मफरूली रहा, मैंने जिंदगी में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया आमराना सोच के साथ। और उसके बाद आज इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और अदलिया की आज़ादी के लिए ये आपके साथी और ये कैमरे गवाह हैं। मैं आज व्हील चेयर पर आया हूँ, 6 फुट कामत का बंदा था और मैंने इस मुल्क में तब्दीली का नारा लगाकर मैंने सोचा कि तब्दीली आएगी। मैंने भरपूर इकतदार छोड़कर 40 साल की रफाकत छोड़कर मैं इमरान खान के साथ गया और इमरान खान ने मुझे एडिशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान बनाया। और आज ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकता। माहिर सहाफियों को जो वाहिद आवाज़ है इस मुल्क में, नौजवानों की जो बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं, जो फाका मस्ती का शिकार है, ये जो बोलते हैं, आप इन पे भी जुल्म करें, आप इनकी भी आवाज़ करें। मैं परमला भट्ट साहब आपके साथ खड़ा हूँ और आज तहरीक इंसाफ से अलादीगी का ऐलान करता हूँ और कुफारा अदा करता हूँ कि मेरे मौला मुझे इस जुल्म के साथ, कम अज कम मैं इस जुल्म का हिस्सा अपने आधे वजूद के साथ नहीं बन सकता। अगर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख पेश होती है तो वो बागी ग्रुप पीडीएम के साथ खड़ा होगा। मुल्क के हालात इमरान खान के जवाल की तरफ जा रहे हैं। पंजाब के बाद सिंध में भी तहरीक इंसाफ दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। मौसम जमील बेग की गिरफ्तारी और झूठे मुकदमे की वजह से तहरीक इंसाफ के मरकज रहनुमा डॉक्टर इसरार शाह ने भी बगावत का ऐलान कर दिया है। एक दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अहम अहदेदारों के इस्तीफे इमरान खान के जवाल की निशानी है। जहांगीर तरीन भी हुकूमत के खिलाफ मुतहरक हो गया है। मोहसिन जमील बेग की एलिया ने भी हाई कोर्ट में दहशतगर्दी के दफात को चैलेंज कर दिया है। इमरान खान हुकूमत का जवाल और मोहसिन जमील बेग की गिरफ्तारी किसी भी वक्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मुतवक्क है। पीएम न्यूज लामा बलामा अपने नाजरीन को मुल्क के हालात से आगाह रखेगा। बिग स्टोरी के साथ अपने मेजबान आशिक संसो को इजाजत दें। अल्लाह निगेबान।